बच्चों, आज हम लोग जिला मार्गदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत संस्कृत कक्षा में उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हरिनंदन मिश्रा, जग्गूलाल मेहता उच्च विद्यालय कुजापी में शिक्षक हूं और आज संस्कृत विषय पर चर्चा करूंगा। मैट्रिक परीक्षा में संस्कृत में मार्क्स कैसे अधिक से अधिक आ सकें, इसके साथ साथ विषय वस्तु का ज्ञान आपको कम से कम समय में कैसे हो, मैं इस पर आपको बतलाऊंगा, चर्चा करूंगा। बच्चों, आप परीक्षार्थी हैं तो आपको एक छोटा सा ट्रिक जान लेना है। और ट्रिक यह है कि ट्रिपल सी, ये बहुत छोटा सा मंत्र है लेकिन बहुत ही कारगर मंत्र है। वो सी है, पहला क्लीन, दूसरा करेक्ट और तीसरा कंप्लीट। यहाँ ये तीन मंत्र आप जान गए तो किसी भी परीक्षा में आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप अच्छे से अच्छे अंक लाएंगे और अच्छी सफलता मिलेगी। क्लीन, जो आप प्रश्न पत्र लिखते हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए। प्रयास करें गंदा कम करें, करछट कम करें। ऐसा हो कि पढ़ने वाला जो आपका परीक्षक होता है उस पर उसका प्रभाव अच्छा पड़े, क्योंकि यह मानव का स्वभाव है। एक बार आपके प्रति गलत धारणा बैठ जाती है तो वह अंतिम तक चलते जाती है। तो पहला पन्ना उलटते ही अगर आपके प्रति अच्छी धारणा बन गई तो सारा पन्ना जो है, सारा पेज जो है, आप पर अच्छा प्रभाव डालेगा और अच्छा अंक मिलेगा। तो साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरा करेक्ट, शुद्धता पर ध्यान देना है। साहित्य मुख्य रूप से शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण पर आधारित होता है, तो शुद्धता होनी चाहिए। जो सेंटेंस आप लिखते हैं, जो वाक्य लिखते हैं, वह शुद्ध होना चाहिए। और तीसरा कंप्लीट, पूर्णता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा क्वेश्चन लिखा और आधा छोड़ दिया। जो भी जितना भी प्रश्न का उत्तर मांगा जाए आप पूरा का पूरा लिखेंगे। यही तीन मंत्र हैं। इसके अतिरिक्त जिस विषय की आप तैयारी करने जा रहे हैं, जिस विषय की आपकी परीक्षा होने वाली है, तो उसकी भी रूपरेखा आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो आप जान लीजिए कि आपको जो प्रश्न पत्र दिए जाएंगे वह प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा। इसके बाद जो समय का निर्धारण है वह 3.25 घंटे का है। 3.25 घंटा इसलिए दिया जाता है कि 15 मिनट आप उसे पढ़ सकें और 3 घंटे में आप प्रश्न का उत्तर लिख सकें। प्रश्न जो होते हैं बच्चों, वह 2 खंड में होते हैं। एक व्याकरण खंड का होता है और एक वस्तुनिष्ठ है और दूसरा रचनात्मक खंड है। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है। हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 विकल्प रहते हैं, जिनमें 3 गलत होता है और 1 सही रहता है। जो सही विकल्प होते हैं उसी पर हम निशान लगाते हैं और OMR पेपर को हम रंगते हैं। रचनात्मक में भी व्याकरण और पाठ दोनों होते हैं। अब वस्तुनिष्ठ में भी व्याकरण और पाठ दोनों होते हैं। अब आगे चलेंगे। जब 100 नंबर का पेपर होता है तो उसमें 40% जो अंक होते हैं वह पाठ पुस्तक से आते हैं और 60% जो अंक होते हैं वह व्याकरण से आते हैं। इसका मतलब है कि हमको व्याकरण पर थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा। उसके बाद आप देखेंगे वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं उसकी संख्या आपको जो OMR पर रंगना होता है 50 होते हैं, लेकिन 50 के लिए आपको 60 प्रश्न दिए रहते हैं। वो 60 में 30 प्रश्न व्याकरण से होते हैं और 30 प्रश्न पाठ पुस्तक से होते हैं। उन 60 में आपको 50 ही करने होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं रचनात्मक खंड में। रचनात्मक खंड में पहला जो क्वेश्चन होता है वह अपठित गद्यांश, अंग्रेजी में कंप्रिहेंशन का नाम आपने सुना है। पैसेज दिया रहता है, उसके नीचे जो हैं प्रश्न दिए रहते हैं। उसी तरह संस्कृत में भी होता है अपठित गद्यांश।
संस्कृत में 5-6 वाक्य होंगे, नीचे प्रश्न होंगे। एक प्रश्न जो होता है वह एक पदेना उत्तरत, एक पद में यानी एक शब्द में उत्तर देना होता है, वह 2 होता है, ठीक है। इसके बाद पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना होता है, एक पूरे वाक्य में लिखना है, कंप्लीट करना है, वह जो है 2-2 नंबर का होता है, वह 4 नंबर का होता है। इसके बाद जो पैसेज दिया रहता है वो पैसेज के आधार पर आपको शीर्षक लिखना होता है। इस तरह के आपको 2 पैसेज 4 पैसेज रहेंगे, लेकिन इसमें 2 आपको बनाने होते हैं, 13 नंबर का होता है। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो पत्र लेखन आता है। पत्र लेखन जानते हैं, पत्र 2 तरह का होता है, एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र, सरकारी और पारिवारिक। तो दोनों पत्र से आपको 4 प्रश्न रहेंगे, आपको 2 ही लिखना होता है। संस्कृत में पत्र लिखना होता है, यह ध्यान रखेंगे। हिंदी में पत्र नहीं लिखना है, इसके लिए आपको प्रारूप याद कर लेना है। प्रारूप याद करेंगे तो उसमें कुछ अंक आपको निश्चित हो जाते हैं, इतना तो आएगा ही आएगा। कुछ वस्तु जो होते हैं, विषय वस्तु जो होते हैं, आपको लिखना पड़ता है, लेकिन प्रारूप जो है सबके साथ समान रूप से चलेगा। इसके बाद आगे चलेंगे अनुच्छेद लेखन, उसको शॉर्ट एसे, अंग्रेजी में शॉर्ट एसे कहते हैं, लघु निबंध। निबंध किसी एक विषय पर होता है, तो उसी तरह संस्कृत में भी जो हैं अनुच्छेद लेखन होते हैं और विषय वस्तु पर होते हैं। वह 7 वाक्यों में लिखना होता है, वह 7 नंबर का होता है। जैसे गंगा नदी, जैसे हिमालय, आदर्श छात्र, भारतीय किसान, राष्ट्रपिता, आप कोई भी हो सकता है, तो 7 वाक्यों में लिखने होते हैं। इसके बाद आपको वाक्य बनाने के लिए अनुवाद बनाने के लिए आता है, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाएं, ये 6 नंबर के होते हैं, 6 बनाने होते हैं। इसके लिए आपको 10-12 ऑप्शन रहते हैं, 10-12 में से आपको 6 ही बनाने हैं, 6 नंबर के बनाने होते हैं। अब हम आते हैं पुस्तक आधारित प्रश्न। ये पुस्तकीय जो प्रश्न होते हैं लघु उत्तरीय होते हैं, दीर्घ उत्तरीय नहीं होते हैं, और हर प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। 8 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, 16 नंबर का होता है, लेकिन 8 प्रश्न को आपको 15 क्वेश्चन में चूज करना है, सेलेक्ट करना है, और जो प्रश्न का उत्तर आपको ठीक ढंग से आता है उन्हीं प्रश्नों का उत्तर लिखिए, समझ रहे हैं। इसके बाद आपको यह ध्यान देना है कि जब हम प्रश्न लिखते हैं तो वह सीक्वेंस होना चाहिए, क्रम से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक प्रश्न पहला पन्ना आप लिखा और दूसरा प्रश्न अंतिम पन्ना पर लिखा, वैसे भी आपका जो है कि मार्क्स से प्रभावित होता है, तो मार्क्स से प्रभावित ना हो, अंक प्रभावित ना हो, आपको क्रमशः जो प्रश्न का अंक होता है, नंबर होता है, उसके अनुसार आपको उत्तर देने होते हैं। अब व्याकरण खंड में हमें क्या क्या पढ़ना है, किन विषयों पर तैयारी करनी है, तो व्याकरण खंड में देख रहे हैं कि शब्द रूप है, धातु रूप है, संधि, समास, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय और अनुवाद खंड का संक्षिप्त परिचय जो कारक सूत्रों पर आधारित होता है। ते आपके दिशा निर्देश हो गए, प्रश्न का प्रारूप हो गया, किस प्रकार हम प्रश्नोत्तर करेंगे। अब हम पाठ्य पुस्तक पर आते हैं। आप 10वीं के विद्यार्थी हैं और आपके लिए जो पुस्तक निर्धारित है वो पीयूषम है। आप बता सकते हैं पीयूषम का अर्थ क्या होता है? पीयूषम का अर्थ है अमृत होता है। अमृत पान करने से अमरता प्राप्त हो जाती है, तो संस्कृत साहित्य अमृत के समान है। जिसने संस्कृत का अवगाहन किया वह अमर हो जाता है, उसे अमृत प्राप्त हो जाता है। संस्कृत के अंतर्गत 14 पाठ आपको पढ़ने हैं। आप 14 पाठों का यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है, मंगलम पाठ है, पातृपुत्र वैभवम है, अलस कथा, संस्कृत साहित्य लेखिका, भारत महिमा, भारतीय संस्कारा, नीति श्लोका, कर्मवीरा कथा, स्वामी दयानंद, मंदाकिनी वर्णम, व्याघ्रपथी कथा,
कर्णस्य दानशीलता विश्व शांति शास्त्रकारः। ये 14 जो पाठ हैं आपके, यह 4 खंडों में विभक्त है। पहला खंड पद्य खंड, श्लोकात्मक है, श्लोक के रूप में है। दूसरा निबंधात्मक है, निबंध के रूप में है। तीसरा कथात्मक है, हितोपदेश की कथा है, पंचतंत्र की कथा है। और चौथा संवादात्मक है, बातचीत के द्वारा आपको जो है पढ़ने के लिए दिया जाता है, कहानी है। ये 4 प्रकार के हैं, आपको यह याद रखना है। प्रायः प्रश्न में यह जरूर आता है कि कौन सा पाठ किस विधा में दिया गया, कौन सा पाठ जो है किस विधा में दिया गया। जैसे अलस कथा, वो क्या है भाई, तो कथा है। ये भारत महिमा क्या है, तो पद्यात्मक है। संस्कृत साहित्य लेखिका क्या है, निबंध है। यह याद करना है आपको, एक प्रश्न तो इससे आएगा ही आएगा, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। अब हम आगे चलते हैं पहला पाठ की ओर। तो पहला पाठ आपको मंगलम पाठ है। मंगलम का अर्थ होता है कल्याण, वह पाठ जिसको पढ़ने के बाद मानव जाति का कल्याण हो जाए, मानव सभ्यता का कल्याण हो जाए। इसमें 5 श्लोक दिए हुए हैं। अब 5 श्लोक उपनिषद से लिए हुए हैं। यह भी बहुत मुख्य बातें हैं, यह भी आपके लिए परीक्षा के लिए उपयोगी बातें हैं कि कौन सा श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, क्योंकि सभी श्लोक के अलग अलग उपनिषद दिए गए हैं। तो पहला जो श्लोक है वह ईशावास्योपनिषद, यहाँ दिया है ईशावास्योपनिषद से दिया गया है। द्वितीय श्लोक कठोपनिषद से लिया गया है। तीसरा और चौथा जो श्लोक है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और 5 श्लोक श्वेतर उपनिषद से लिया गया है। अब बच्चों आप पूछ सकते हैं कि सर उपनिषद क्या है, उपनिषद का अर्थ क्या है, तो हम इसको विभक्त करेंगे। उप, उप माने समीप होता है, नी, नी मतलब निश्चित रूप से, अब सद माने बैठ जाना। जिसके समीप हम जा कर के बैठते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान को जब साहित्यिक रूप दिया गया उसे उपनिषद कहते हैं। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, यह उपनिषद वैदिक साहित्य है, वैदिक वाङ्मय है। और यह अंतिम भाग है वेद का, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसे वेदांत भी कहते हैं। अब जो है कि उपनिषद जो होते हैं दर्शन सिद्धांत को बतलाते हैं। ये प्रश्न भी आ सकते हैं आपको कि उपनिषद किस सिद्धांत को बतलाता है, न्याय सिद्धांत को बतलाता है, तर्क सिद्धांत को बतलाता है, दर्शन सिद्धांत को भी बतलाता है, या आयुर्वेदिक सिद्धांत को बतलाता है। तो आपको दर्शन सिद्धांत उत्तर देने होते हैं। अब हम इस पाठ से संबंधित मुख्य मुख्य बातों को जान लीजिए। देखिए 2 श्लोक इसका है, इससे प्रश्न अधिक आते हैं। श्लोक संख्या 1 और श्लोक संख्या 2 कहता हिरण्मयेन पात्रेण सतस्या सतस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पुषन्नवावृणु सत्धर्माय दृष्टये। यह जो सत्य का मुख जो है, सत्य यानी परम ब्रह्म, उसका मुख हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। हिरण माने सोना, सुनहरे पात्र से, बर्तन से ढका हुआ है। देखने में बहुत अच्छा है लेकिन वह सत्य जो है छिपा हुआ है। इसलिए हम लोग सूर्य से प्रार्थना करते हैं, हे पुषण, सत्य और धर्म को जानने के लिए उस बर्तन को, उस पात्र को आप क्या कर दें, हटा दीजिए। ठीक है। दूसरा श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इससे भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अनो आनर्यान महतो महियान आत्मा स जगतो निहितो गुहायाम तमह क्रतु पस्तति बीत शोको धातु प्रसादान महिमात्मात्मन। आत्मा, आत्मा का स्वरूप है इसमें, आत्मा का रहस्य है। पहला में सत्य का रहस्य है, दूसरा में आत्मा के बारे में बताया गया। यह अनु से भी छोटा है और महान से भी महान है। कहाँ रहता है, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है वह। और उसको जानकर, उस आत्मा को जानकर कैसे,
तो अपनी इंद्रियों के द्वारा, कौन सा इंद्रिया, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। मनुष्य महात्मा लोग उसे जानते हैं, और कब जानते हैं, जब वह निष्काम हो जाते हैं, कामना रहित हो जाते हैं, और उस आत्मा को जान करके वह वित्त सुख हो जाते हैं, इन उनके अंदर के सारे सुख सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। तो ये इसमें आत्मा के रहस्य के बारे में बताया गया है। जैसे आपका प्रश्न हो सकता है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, तो आत्मा का स्वरूप यह है कि वह छोटा से अणु से भी छोटा है और महान से भी महान है। यह कहाँ रहता है, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहता है। अब हम इस पाठ से आधारित कुछ संक्षिप्त प्रश्न हैं, उनके ऊपर ध्यान देंगे कि हिरणमय पात्र न कस्य मुखम अपहितम, हिरणमय बर्तन से किसका मुंह ढका हुआ है, सत्य का मुंह ढका हुआ है। महतो महियान का बड़ा से भी बड़ा, महान से भी महान क्या है, आत्मा। अनो अनियान का अनु से भी छोटा क्या है, आत्मा। किम जयम प्राप्नोति, कौन विजय प्राप्त करता है, सत्य, सत्य में जयते। किम जयम न प्राप्नोति, कौन विजय प्राप्त नहीं करता है, अनृतम, जिसका पर्यायवाची होता है असत्यम, झूठ, झूठ जो है कभी विजय प्राप्त नहीं करता है। का नाम रूपम च विहाय समुद्र स्तंभ गच्छन्ति, कौन अपने नाम को त्याग करके, अपने रूप को त्याग करके समुद्र में विलीन हो जाते हैं, तो कौन है, नद्य, नदियाँ। जब तक नदियाँ इस समतलीय भूभाग में प्रवाहित होती हैं, सबका नाम अलग अलग होता है, कोई गंगा, कोई यमुना, कोई गोदावरी, कोई सरस्वती, सिंधु, कावेरी, लेकिन जैसे नदियाँ समुद्र मिल जाती हैं, सब समुद्र कहलाती हैं। वहाँ पर विभक्त करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा पानी गंगा का है और कौन सा पानी गोदावरी का है। अपने नाम को त्याग दिया, अपने रूप को त्याग दिया, अब समुद्र में मिल जाते हैं। अब है ब्रह्मण मुखम केन आच्छादितम, ब्रह्मा का मुंह जो है किसके द्वारा ढका हुआ है। ब्रह्मा सत्य, जो सत्य है वही ब्रह्मा है, वही परम पुरुष भी है। तो यहाँ पर हिरण्मयेण पात्रेण, हिरण्मय सोने के बर्तन से ब्रह्मा का मुख ढका हुआ है। इसके बाद देव्यान पंथा केन वितता अस्ति, देवता तक पहुँचने का मार्ग, ईश्वर तक सबकी इच्छा होती है। जितने भी ऋषि मुनि महापुरुष सब होते हैं, उनकी इच्छा होती है कि हम ईश्वरत्व को प्राप्त करें, देवत्व को प्राप्त करें, देवता को प्राप्त करें, स्वर्ग जाएं। तो कैसे जाएगा, सत्य का आश्रय लेकर। देवता तक पहुंचने का मार्ग किसके द्वारा फैला हुआ है, तो सत्य के द्वारा। जो सत्य का आश्रय लेगा वही देवत्व को प्राप्त करेगा, वही जो है मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेगा। अब हम इस पाठ पर आधारित जो आपके परीक्षोपयोगी हो सकते हैं, आत्मा का स्वरूप कैसा है, मैंने अभी बताया है श्लोक के अर्थ के माध्यम से, आत्मा अणु से भी छोटा है और महान से भी महान है। आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा अमर है, आत्मा अजन्मा है। और कहाँ रहती है, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, नदी और विद्वान में क्या समानता है। अभी मैंने कहा नदियाँ क्या करती हैं, अपने नाम को छोड़ देती हैं, अपने रूप को त्याग देती हैं, और कहाँ मिलती हैं, समुद्र में। उसी प्रकार विद्वान जो होते हैं अपने गुण को त्याग देते हैं, अपने अहंकार को त्याग देते हैं, अपनी विद्वत्ता को त्याग देते हैं, और अपने ज्ञान को त्याग देते हैं, और कहाँ प्राप्त हो जाते हैं, ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाते हैं, ईश्वरत्व को प्राप्त करते हैं। ईश्वर को प्राप्त करना है, इन सभी चीज़ों को त्यागना पड़ेगा, अहंकार को त्यागना पड़ेगा, अपने घमंड को त्यागना पड़ेगा। अगर घमंड हो जाए कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, तो कभी आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप निश्चल होकर के जाएंगे, आप निर्द्वंद होकर जाएंगे, तभी ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। तो दोनों में समानता यही है
एक नाम और रूप को त्यागती है और दूसरा अपने गुण को, अपने कर्म को, अपने अभिमान को त्यागता है। यही दोनों में अंतर है। कई समस्या, कोई दिक्कत? अब हम दूसरे पाठ पर चलते हैं। दूसरा पाठ आपका पाटलिपुत्र वैभवम है। पटना की समृद्धि, पटना जो हमारा बिहार राज्य की राजधानी है, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे, इसके मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे और इसके नामकरण के संबंध में पढ़ेंगे और आधुनिक काल में इसकी क्या महिमा है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पटना नामकरण जो हुआ मध्यकाल में हुआ था। मध्यकाल मुगलों का शासनकाल कहलाता है। मुगलों के शासनकाल के बीच में कुछ समय दिल्ली के सल्तनत पर शेरशाह का आधिपत्य हुआ था। अब शेरशाह के शासनकाल में ही पटना, पाटलिपुत्र का नाम पटना पड़ा था। ये भी पूछ सकता है कि किसके शासनकाल में या किस काल में, तो मध्यकाल में, या किसके शासनकाल में, तो शेरशाह के शासनकाल में पाटलिपुत्र का नाम पटना हुआ था। इसकी समृद्धि यह है कि यहाँ अनेक विद्वान हुए, भारत में अनेक विद्वान हुए जिनकी परीक्षा कहाँ हुई, पटना में हुई। अब परीक्षा होने के बाद वो क्या अपनी ख्याति को पूरे विश्व में ले गए, उनकी ख्याति फैली। जिनका नाम है वर्ष है, उपवर्ष है, पाणिनी है, व्याडी है, पतंजलि है, बररुचि है, अनेक कवि हुए। इसलिए पटना को सरस्वती का कुलगृह भी कहा गया, माइका, कुलगृह माइका कहा जाता है। उनका उत्पत्ति स्थल कहा गया। तो ये भी प्रश्न हो सकता है कि सरस्वती का कुलगृह कहाँ है, पाटलिपुत्र है, हो सकता है। महात्मा बुद्ध छठी शताब्दी के आसपास थे, वो प्रारंभ में थे, वैदिक काल समाप्त हो गया था। इसके बाद महाजनपद काल हुआ, उसमें भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, उसमें मगध सबसे शक्तिशाली जनपद था और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था गंगा और सोन नदी के तट पर, समझ गए। जब आप पाटलिपुत्र के संबंध में जानते हैं, जब पाटलिपुत्र उसका नामकरण नहीं हुआ था, छठी शताब्दी में भगवान बुद्ध वहाँ गए थे। अब भगवान बुद्ध गए तो उसमें उसका नाम था पाटलीग्राम। पाटलीग्राम इसलिए नाम पड़ा था कि आसपास के गांव में गुलाब के फूल उपजाए जाते थे। पाटल का मतलब गुलाब होता है, तो गुलाब के फूलों के कारण उस क्षेत्र का नाम पाटलीग्राम पड़ गया। अब महात्मा बुद्ध जब गए तो उन्होंने कहा था कि यह गांव जो है भविष्य में महानगर बन जाएगा, लेकिन हमेशा चोर, अग्नि और बाढ़ का उस प्रभाव पड़ता रहेगा, यानी कि उसे पीड़ित रहेगा, आक्रांत रहेगा, हमेशा भय बना रहेगा, चोरी का भय बना रहेगा, अग्नि का भय बना रहेगा, बाढ़ का भय बना रहेगा। आज भी पटना बाढ़ से बहुत प्रभावित रहता है। अब हम साहित्यों पर नज़र डालें तो साहित्यों में पाटलिपुत्र को कई नाम से जाना जाता है, पुष्पपुर, कुसुमपुर, इसके बाद पाटलिपुत्र बन गया, उसके पहले पाटलीग्राम था। तो ये कालांतर में इसके नामकरण होते गए हैं। मध्यकाल में हम जब देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे राजा हुए, जैसे मौर्य काल में, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का इतिहास जो था बहुत गौरवशाली इतिहास था। केवल भारतीय विद्वानों ने ही नहीं, विदेशी यात्रियों ने भी अपने साहित्यों में, अपने यात्रा वृत्तांतों में पाटलिपुत्र का उल्लेख किया है। मेगास्थनीज आया था, यूनान से आया था, ह्वेनसांग, फाहयान, इत्सिंग, ये सब चाइना, चीनी यात्री आए थे, बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे। आज जिन्होंने अपने साहित्य में पाटलिपुत्र के गौरव का, पाटलिपुत्र के वैभव का उल्लेख किया है।
वहाँ सिख धर्म के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल भी है, वह सिखों के लिए दर्शनीय स्थल है। इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे दर्शनीय स्थल हैं, गोलगिरी है, संजय गांधी जैविक उद्यान है, सचिवालय है, मौर्यकालीन अवशेष हैं, महावीर मंदिर है और तारामंडल है जिसे लोग देखने के लिए जाते हैं। अब उस प्रश्न पर आधारित, उस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। पहला है, जो मैंने आपको बता दिया है पहले पढ़ाई के क्रम में, कि सरस्वत्या कुल गृहम कुत्र अस्ति, सरस्वती का कुल गृह कहाँ है? पाटलिपुत्र नगरे। एक विद्वान हुए, उनका नाम था दामोदर गुप्त, उन्होंने एक काव्य लिखा, उस काव्य का नाम है कुटनिमत काव्य है, और उस काव्य में भी उन्होंने पटना के गौरव के बारे में बताया था, पटना के इतिहास के बारे में बताया था। तो ये प्रश्न है, कुटनिमत आख्यानम कस्य कृति अस्ति दामोदर गुप्तस्य। इसके बाद है कि बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य किम नाम आसीत, बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का क्या नाम था? पाटलिग्राम था। मेघासनिज भारते कदा आगच्छत, मेघासनिज भारत में कब आया? तो मेघास कब आया था? ये आपका अशोक चंद्रगुप्त मौर्यस्य शासनकाले, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेघासनिज आया था। इसके बाद पाटलिपुत्र से वैभवम कदा सूत्राम समृद्धम, पाटली राजा तो कई हुए, सबके शासनकाल में पटना का विकास हुआ, लेकिन मौर्य काल के एक ऐसे भी राजा हुए जिनके शासनकाल में पटना का सर्वाधिक उन्नति हुआ, सर्वाधिक विकास हुआ, वह हुआ अशोक। अशोकस्य शासनकाले पाटलिपुत्रस्य वैभवम सूत्राम समृद्धम। इसके बाद एक और कवि हुए, विद्वान हुए, उनका नाम था राजशेखर। राजशेखर के साहित्य हैं, उनका नाम है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा में भी उन्होंने पटना के बारे में बताया कि पटना जो है भारत का गौरवशाली, पाटलिपुत्र जो है भारत गौरवशाली क्षेत्र है, नगर है, और वहाँ अनेक विद्वान हुए। इन सारी बातों का जिक्र राजशेखर ने किया था। तो काव्य मीमांसा कस्य कृति अस्ति, तो राजशेखरस्य। इसके बाद अष्टाध्यायी ग्रंथ केन रचितम, संस्कृत का, संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ अष्टाध्यायी, जिसके रचनाकार, जिसके लेखक पाणिनि हुए। पाणिनि जो हैं भारत के जो मुख्य त्रय व्याकरणी जो होते हैं उनमें पहला नाम है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये तपस्या में बैठे थे और तपस्या के समय ही भगवान शंकर ने डमरू बजाया था और उस डमरू से 14 व्याकरण के सूत्र निकले थे, इसलिए उस सूत्र का नाम पड़ा था माहेश्वर सूत्रानी। उन्हीं सूत्रों के आधार पर पतंजलि ने व्याकरण के नियम बनाए, व्याकरण के सूत्र बनाए और उन्होंने एक पुस्तक का निर्माण किया जिसका नाम पड़ गया अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी ग्रंथ से केन रचितम पाणिनि महोदयेन, कस्मिन काले कस्य राजवंश च कौमुदी महोत्सव प्रचलित, इसमें दो प्रश्न है, कस्मिन काले किसके शासनकाल में और कस्मिन राजवंश, राजवंश कौन सा था? कौमुदी महोत्सव होता है तो मध्य शरद काले, शरद ऋतु में, किस काल में? शरद ऋतु में। शरद ऋतु का मतलब है कि हिंदी में आश्विन का महीना जो होता है शरद ऋतु होता है, तो शरद ऋतु में और गुप्त वंश के शासनकाल में क्या होता था? कौमुदी महोत्सव होता था। आज भी हम लोग कौमुदी महोत्सव मनाते हैं, कभी लोग काव्य रचना करते हैं, चंद्रमा की शीतल छाया में बैठते हैं। इसके बाद पाटलिपुत्र से शिक्षा व्यवस्था परंपरायाम के एक कवि आसन, पाटलिपुत्र की जो शिक्षा व्यवस्था हुई उस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से कवि हुए? तो बहुत सारे कवियों का नाम है, उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्यादि, बररुचि, पतंजलि इत्यादि, ये सब कवि का नाम है।
ये सब कवि जो हैं पाटलिपुत्र में आए, पाटलिपुत्रों में इन विद्वानों के द्वारा, अन्य विद्वानों के द्वारा इनकी परीक्षा ली गई। परीक्षा के बाद ये ख्याति प्राप्त किए और ख्याति प्राप्त कर उन्होंने अपने अपने क्षेत्र के अच्छे अच्छे पुस्तकों का निर्माण किया। जैसे आप पतंजलि का नाम सुने हैं, पतंजलि योग योगाभ्यास महाभाष्य की रचना की थी, योग मीमांसा की रचना की थी। अब हम आते हैं अगला प्रश्न पर, मुद्रा राक्षस रचनाकार का। मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है, उसके रचनाकार कौन है? आप जानते हैं कि जब मगध का शासन, मगध साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो सबसे पहले अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक बने। स्थापना हर्यक वंश की स्थापना अजातशत्रु ने की थी। उसके पहले मगध की स्थापना जरासंध के पिता बृहद्रथ ने किया था। क्या किया था? बृहद्रथ ने किया था, वो जरासंध के पिता थे। बृहद्रथ के बाद फिर बीच में कौन कौन राजा हुए उनका उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन मगध में पहला राजवंश का होता है उल्लेख मिलता है, वह हर्यक वंश का उल्लेख मिलता है। हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में एक राजा था धनानंद। धनानंद राजा बहुत अत्याचारी राजा था, वह उसके शासनकाल ठीक नहीं थे, तो उनके शासन को उखाड़ने के लिए, शासन को समाप्त करने के लिए एक विद्वान ने संकल्प लिया। उस विद्वान का नाम क्या था? चाणक्य। चाणक्य ने संकल्प लिया कि मैं तुम्हारे शासन को समूल नष्ट कर दूंगा। तो उस धनानंद के शासन में दो विद्वान थे, एक विद्वान चाणक्य था और दूसरा का नाम था राक्षस। एक कूटनीतिज्ञ थे और एक राजनीतिज्ञ थे। धनानंद ने संकल्प लिया कि मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंद वंश, ये जो है आपका धनानंद वंश का जो समाप्त किया, उसके राज्य को समाप्त किया और मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। लेकिन चाणक्य हमेशा सशंकित रहता था कि जब तक राक्षस जिंदा है, जब तक हमारे पकड़ में नहीं आता है, तब तक हमारा राज्य जो है स्थिर नहीं हो सकता है। तो उन्होंने राक्षस को पकड़ने के लिए अपने गुप्तचर भेजे। वह छिपा हुआ था, गुप्तचर घूम रहे थे। गुप्तचर देखते हैं कि एक गली में कुछ बच्चे जो हैं स्वर्ण मुद्राओं से खेल रहे हैं। उन स्वर्ण मुद्राओं में जो राजा का चिन्ह अंकित होता है, वह धनानंद वंश का जो उनके साम्राज्य का जो मुहर जो होता था, राज चिन्ह होता था, वह अंकित होता था। गुप्तचर ने देखा कि यह तो साधारण बच्चा नहीं हो सकता है, जो बच्चा स्वर्ण मुद्राओं से खेल रहा है तो ये साधारण बच्चा नहीं है। वो बच्चे के माध्यम से ही राक्षस को पकड़ा गया, तो इसका नाम पड़ गया मुद्रा राक्षस। मुद्रा माने पैसा और राक्षस नाम पड़ा, उसका नाम था, मंत्री का नाम था। तो मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? तो विशाखदत्त। इसके बाद पाटलिपुत्रस्य पालिका देवी का। पाटलिपुत्र तो पाटल से नाम पड़ा है, लेकिन वहाँ एक देवी है पटन देवी, तो पटन देवी के नाम से भी पाटलिपुत्र का नाम पटना पड़ा है, यही कारण है। तो पाटलिपुत्रस्य पालिका देवी का पटन देवी। पाटलिपुत्रम पटना इति नामना कदा प्रसिद्धम। पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो मैंने कहा था मध्यकाल में और शेरशाह के शासनकाल में, तो उत्तर यहाँ पर केवल मध्यकाल लिखा गया है। बिहारस राजधानी कुत्रस्ति। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पाटलिपुत्र नगरम। एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु का। एशिया महादेश का सबसे बड़ा जो सेतु पुल, वो कहाँ है, कौन है? तो गांधी, महात्मा गांधी सेतु है, जो पटना से हाजीपुर तक को जोड़ता है और गंगा नदी पर बनाया हुआ है। अब हम आते हैं 15वां प्रश्न पर, सिख संप्रदायस्य दसमह गुरु का। सिख संप्रदाय के दसमा गुरु कौन हैं? तो गुरु गोविंद सिंह हैं।
पहला गुरु कौन था? गुरु नानक था, अंगद हुआ है। इस क्रम से ये अंतिम गुरु हुए और इनके बाद से गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह ने एक प्रणाली चलाई थी, एक नियम चलाया था, जो सिख धर्म के पालन करने वाले हैं उनको 5 चीज रखना अनिवार्य है। उस प्रणाली का नाम है पाहुल प्रणाली। जिसमें 5 चीज रखना अनिवार्य हो गया वो पाहुल प्रणाली में पहला क्या है? केस, सभी जो सिख होते हैं पगड़ी रखते हैं। दूसरा कड़ा, कड़ा पहनना उनके लिए अनिवार्य है। तीसरा कटार, सभी सिख जो होते हैं देखेंगे आप कटार भी हमेशा रखते हैं। चौथा कंघी, और पांचवा जो होता है उनका वस्त्र आभूषण है, वह अंतः वस्त्र है जिसको हम कहते हैं कच्छा पहनते हैं। तो ये 5 चीज उनके लिए अनिवार्य किया गया। ये अनिवार्य करने वाले कौन थे? आपके सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। अब हम ये प्रश्न अगला में आते हैं कि पाटलिपुत्रस्य इतिहास कियत वर्षम प्राचीनम अस्ति, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। कुछ कुछ जगह पर हमने देखा है गलती प्रिंट किया हुआ है, लेकिन आप सही पढ़ेंगे कि सार्ध सहस्र द्वय वर्षम। सार्ध का मतलब कि आधा, और सहस्र माने हजार, और द्वय माने 2 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष में और आधा जोड़ देते हैं तो 2.5 वर्ष हो जाता है। तो आपका हिंदी में लिखा हुआ है 2500 वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। यह भी प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि प्राचीन हमारा जो पाटलिपुत्र है उसका इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो हमेशा प्रश्न करीब हमेशा यह प्रश्न पूछा गया है। अब है कदा पाटलिपुत्रस्य शोभा अत्युत्कृष्टा आसित, किसके समय में, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा बहुत ही उत्कृष्ट थी, बहुत ही उन्नत थी, बहुत ही अच्छी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्यस्य शासनकाले, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा उत्कृष्ट थी, सबसे अच्छी थी। अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रियदर्शी कहाँ सित, प्रियदर्शी कौन था? यह उपनाम है राजा का। तो मौर्य काल का एक राजा हुआ जिसको सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं, तो अशोक का ही एक नाम था प्रियदर्शी, जिसको याद रखेंगे प्रियदर्शी का हासित अशोक। पाटलिपुत्रस्य कस्याम दिशायाम गंगा नदी प्रवहती, पाटलिपुत्र जो है पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो पटना के उत्तरस्याम दिशि, उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। इसके बाद पाटलिपुत्रस्य प्रसिद्धम स्थलम किम किम अस्थि, ये आधुनिक काल में पटना में स्थित है। तो पाटलिपुत्रस्य प्रसिद्धम स्थलम जो है संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविको उद्यानम, मौर्यकालिक अवशेष और महावीर मंदिरम च, ये अभी पटना में अवस्थित हैं। और बच्चे जब विद्यालय से शैक्षणिक भ्रमण में जाते हैं तो इन सारी वस्तुओं, इन सारे स्थानों को देखते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो आप आज हम आपको 2 विषय पर आधारित जो मुख्य प्रश्न हैं उनके बारे में बताया। अब हम इन पर जो लघु उत्तरीय प्रश्न जो बनते हैं उन प्रश्नों के बारे में बतलाते हैं कि महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के संबंध में क्या कहा था। मैंने आपको बताया पहले भी कि महात्मा बुद्ध जब वहाँ गए थे तो उन्होंने कहा था कि महात्मा बुद्ध काल में यह पाटली ग्राम था, ग्राम मतलब गांव, लेकिन उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यह गांव क्या बनेगा? महानगर बनेगा, और हमेशा आक्रांत रहेगा, पीड़ित रहेगा। किससे? अग्नि से, चोर से और बाढ़ से। यही उसका अंतर है।
महात्मा बुद्ध ने कहा था कि यह नगर क्या बनेगा, यह गांव क्या बनेगा, महानगर बनेगा और हमेशा अग्नि से, चोर से और बाढ़ से पीड़ित होगा। ये इसका आंसर हो गया। दो ही नंबर का होता है, इसलिए प्रयास करना है कि दो सेंटेंस से तीन सेंटेंस तक हम इसको पूरा कर दें, ठीक है। राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या कहा था? एक विद्वान, हमने आपको बतलाया कि राजशेखर विद्वान हुए जिन्होंने क्या लिखा, काव्य मीमांसा लिखा। तो राजशेखर ने कहा कि पटना का इतिहास है बहुत ही गौरवशाली इतिहास है, पटना का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। पटना में अनेक कवि हुए जिनके कारण पटना को हम क्या बोलते हैं कि सरस्वती का कुलगृह कहते हैं। उन कवियों का भी नाम आप उसमें जोड़ देंगे, पाणिनी हुए, बररुचि हुए, पतंजलि हुए, व्यादि हुए, इन सारे कवियों का नाम उसमें आप जोड़ देंगे। इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि पटना जो है गौरवशाली तो है ही और भविष्य में भी आधुनिक काल में ये पटना गौरवशाली रहेगा और यह पटना गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। आगे का पाटलिपुत्र के वैभव प्रकाश डालें। लघु उत्तरीय प्रश्न है सर, नहीं लघु छोटा, दो मुख से दो पंक्तियों का, दो से तीन पंक्तियों तक उसका उत्तर जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। दो नंबर के प्रश्न हैं। अब हैं कि पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में बताना है। तो पाटलिपुत्र का वर्णन पुराणों में हुआ है। पाटलिपुत्र का वर्णन जो है हमारे भारतीय साहित्यों में हुआ है, किया 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध का आगमन हुआ था। उन्होंने इस नगर को महानगर बनने का आशीर्वाद दिया था कि यह गांव जो है महानगर बनेगा। साथ ही साथ यह जो नगर है धार्मिक दृष्टिकोण से, राजनैतिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत ही सुंदर है, बहुत ही एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करने वाला रहा है। यह भारत का केंद्र बिंदु रहा है। जितने भी भारत पर आक्रमणकारी हुए उनका मुख्य उद्देश्य रहा मगध पर अधिकार करना कि पाटलिपुत्र पर अधिकार करना, वहाँ तक पहुँचना। इसके बाद जो है कि यहाँ अनेक विद्वानों का जन्म हुआ था और उन्हीं विद्वानों के कारण हमारा पाटलिपुत्र गौरवशाली हुआ, हमारा पाटलिपुत्र वैभवशाली हुआ, हमारे पाटलिपुत्र की ख्याति पूरे विश्व में फैली। तो ये तीन प्रश्न संभावित प्रश्न हैं, आप इन पर ध्यान देंगे। मैंने उत्तर जो मौखिक कहा है इसको आप लिखेंगे, लिख करके भी याद करेंगे। कुछ प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, वो सारे प्रश्न जो हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, वह उत्तर आपको बनाने हैं। जहाँ कठिनाई होगी वह मुझसे आप संपर्क करेंगे, पूछेंगे, इसका उत्तर सही सही दिया जाएगा। प्रश्न है, मैंने पहले कहा था कि जो प्रश्न है वह पूछा जाता है श्लोक में कि किस उपनिषद से लिया गया है, जैसे अनुअरण्यान महिमाना आत्मना किस उपनिषद से उद्धृत है, तो चार उपनिषद का नाम लिख दिया है, मुंडकोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, श्वेता श्वेत्रोपनिषद। इसके बाद है सत्य के मुँह पर से पर्दा हटाने की याचना किसी की गई है, हम किससे प्रार्थना करते हैं कि सत्य के मुँह पर जो हिरणमय पात्र है उसको हटा दीजिए, तो यहाँ पर भूषण गुरु राम और शंकर। इसके बाद ग्रामोयम महानगरम भविष्यति, यह गांव महानगर बनेगा, किसने कहा था, तो महावीर ने कहा था, अशोक ने कहा था, फाहयान ने कहा था या महात्मा बुद्ध ने कहा था, सही उत्तर आपको देने हैं। मेगासनिज कहाँ का रहने वाला था, चीन का, जापान का, यूनान का या श्रीलंका का। सत्यमेव जयते बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह कंपटीशन भी पूछा जाता है कि किस उपनिषद से लिया गया है, तो चार उपनिषद का नाम है, किसी एक को सही उत्तर देने होते हैं आपको। इसके बाद आप्तकामा के संति,
आत्मकामा जिसने इच्छाओं पर प्राप्त विजय प्राप्त कर लिया, इच्छा जिनकी समाप्त हो गई, ईश्वरत्व को प्राप्त कर लिया, तो कौन है? ऋष्य, देवा, नरा, पशु। सही उत्तर आपको देने हैं। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो ये आपको 3, 5, 3, 4, 6 आप श्लोक नोट कर लेंगे। पाटलिपुत्र वैभवम में किस नगर का वर्णन है? तो पाटलिपुत्र में स्वाभाविक है कि पटना का ही वर्णन होगा। तो आपको उत्तर देने हैं, पाटल पुष्पों की पुत्तलिका के आधार पर पटना का क्या नाम था? पुष्पुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र या पटना। इसके बाद पूषण जोड़, कुछ व्याकरण के प्रश्न इसमें दे दिया गया है, पूषण जोड़ अपावृणु की संधि क्या होगी? दोनों मिलाने, संधि माने जोड़ने के बाद। तो ये चार में आपको एक सही देने हैं। अति जोड़ उत्कृष्टा, इसका सही क्या होगा संधि? तो मैंने 3 गलत दिया है, 1 सही है, तो जो सही होगा उसका उत्तर आपको देने हैं। कौमदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? मैंने पहले भी जिक्र किया है। इसके बाद पाटलिपुत्र दस का दर्शनीय स्थल है, ये 4 में किसी एक के बारे में आपको बताना है कि कौन सा दर्शनीय स्थल है। अब है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? ये 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको सही देने हैं। सिख संप्रदाय के कितने गुरु हुए? महानगर इति पद का कौन सा समास है? तो समास का नाम 4 दिया है, अव्यभाव, तत्पुरुष, क्रमधार, द्वंद्व। एक सही उत्तर देने हैं। महितलस्य तिलकम इत्यस्य समस्त पदम किम अस्ति? 2 पद है, महितल और तिलक, दोनों मिलाकर क्या बनेगा? इसको सही लिखना है। विद्वान गृहस्थ पुरुषम व्यक्ति, विद्वान किस पुरुष को जानते हैं? कौन सा व्यक्ति विद्वान होता है? तो इसके बारे में है जी, जिसको जान लिया। किसको जानेगा? ईश्वर को जानेगा, महान पुरुष को जानेगा, उसको विद्वान कहेंगे। इसके बाद आपका है विद्वान कस्मात विमुक्त परात पुरुषम उपैति? विद्वान किसको त्याग कर ईश्वर को प्राप्त करता है? मैंने जी इसको बतला दिया है। अंतिम है बीत शोक का भक्ति, बीत शोक कौन, जिस शोक रहित कौन हो जाता है? तो महापुरुष, ऋषि, अक्रतु, दिव्य पुरुष। इस प्रकार मैंने आपको 20 गृह कार्य के लिए, अभ्यास के लिए प्रश्न दिए हैं, जिससे आप बनाइएगा। और मुझे उम्मीद है इन प्रश्नों के माध्यम से आप परीक्षा में अच्छे अच्छे अंक लाएंगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।